First and foremost, thank you Sudhanshu sir, you have given this opportunity and a big platform to me for sharing this knowledge, and thanks from the student side also, they have got a big platform to obtain knowledge. And जैसा कि अब आपने बताया है कि हमें सीपीसी का पूरा सीरीज निकालना है, तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है स्टूडेंट से कि आपको हिंदी मीडियम चाहिए, इंग्लिश मीडियम चाहिए, या फिर जैसे हम दोनों लैंग्वेज में मिक्स करके पढ़ाते हैं वैसे चलेगा? अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आपकी क्योरी है तो आप सुधांशु सर से बात करके उनसे बता सकते हो, जो भी होगी हिंदी में या इंग्लिश में या जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं शुरुआत कर देती हूँ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 बहुत महत्वपूर्ण है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। हमारे यहाँ पर मोटे तौर पर अगर हम कहें तो दो प्रकार का प्रोसीजर है, एक सिविल प्रोसीजर और एक है क्रिमिनल प्रोसीजर। क्रिमिनल प्रोसीजर की बात आती है तो सीआरपीसी द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, और जहां पर सिविल की बात आती है तो सीपीसी 1908 आती है। अब जब भी कोई सिविल मैटर होते हैं तो उन सिविल मैटर का प्रोसेस कहां दे रखा है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, वो सारी चीज हमें सीपीसी में मिलेंगी। अब ये जो सिविल मैटर होते क्या हैं, वो हम सीपीसी जब पढ़ेंगे तो सेक्शन 9 आता है, तो सब्जेक्ट मैटर जो सिविल है वो सिविल सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, तो वो कौन कौन से मैटर हैं जो सिविल में आते हैं वहां पर डिटेल से पढ़ा जाएगा। लेकिन मैं यहां पर आपको एक स्टेटमेंट में बता देती हूं कि हम कॉमन तौर पर जो समाज में बोलते हैं कि प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर जो भी मैटर होते हैं वो मैटर सिविल मैटर होते हैं, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसका आप पूरा का पूरा सेम अर्थ कभी मत लेना। जो भी सिविल मैटर का प्रोसेस है वो पार्टीज कौन होंगी, कौन डाल सकती हैं, कैसे डाल सकती हैं, कौन से कोर्ट में जाएंगी और वो क्या लिख कर जाएंगी, कौन कोर्ट के सामने उसे लेकर जाएगा, और उसके बाद जो विटनेस होते हैं वो विटनेस कैसे बुलाए जाएंगे, कोर्ट कैसे देखेगा कि क्या इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्या है, और उन डिस्प्यूट को हम क्या कहेंगे, नाम क्या देंगे उसको फाइनलाइज। फिर जैसे ही कोर्ट सम्मन करता है, पार्टी करवाती है, एप्लीकेशन देती है, गवाह आते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाते हैं, जब इन सारी चीजों को देखकर फाइनल आर्गुमेंट होती है, कंसिडरेशन होता है, फिर डिक्री आती है, जजमेंट आता है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। तो ये होगी एक मोटा प्रोसेस हो गया है। हमारे पास मैक्सिमम एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं तो हमें एक कॉमन भाषा में समझना भी जरूरी है, और कुछ आप जो चीजें आपने सुनी हैं उन्हीं के आधार पर आप देखते हो कि हमने ये सुना था, ये क्या है, तो ऐसे बताना जरूरी है। अब हम बुकिश लैंग्वेज में इसके बाद चलेंगे। तो ये तो एक मोटी चीज हो गई कि ये है सीपीसी। फिर सीपीसी कैसा लो है, प्रोसीजरल लो है, उसके नाम से ही पता चलता है, इट इज ए प्रोसीजरल लो एंड इट इज फॉलोड बाय द पार्टीज एंड एज वेल एज द कोर्ट इन रिलेटेड द सिविल मैटर्स। अब हम चलते हैं कि हमें क्या चीज पढ़नी होगी। देखो, अगर आप एलएलबी का एग्जाम पास करना चाहते हो तो हमें सबसे पहले
ये देखना होगा कि पेपर आपका कैसा आता है, डिस्क्रिप्टिव आता है, क्योंकि कोविड 19 का समय चल रहा है, तो कोविड 19 के समय में तो ऑब्जेक्टिव पेपर हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो डिस्क्रिप्टिव कैसे लेंगे। और यदि डिस्क्रिप्टिव होता है तो भी आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, भाई 5 नंबर का कितना आता है, फिर 10 नंबर के आते हैं, फिर 20 नंबर्स का क्वेश्चन आता है, आंसर लिखना होता है, तो उसके हिसाब से हम आपको सिलेबस करवा देंगे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको आगे कोई एग्जाम पास करने के लिए, जुडिशरी करने के लिए, सिविल जज बनने के लिए, कोई सरकारी वकील बनने के लिए चाहिएगी, तो वो चीज़ हम लास्ट में जब 1-2 लेक्चर होंगे तो उनमें आपको हम बता देंगे कि कैसे हमें उनकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको आज बता देती हूँ कि आपको क्या चाहिएगा, कि आप पढ़ोगे तो आपको क्या चाहिएगा। आप लेक्चर सुनो, लेक्चर सुन के आपको समझ आएगा मैटर। और यदि आपके पास सबसे पहले तो जहां पर भी आप जिस कॉलेज से एग्जाम दे रहे हो उस कॉलेज में आपके जो सीनियर्स होंगे वो, या फिर बुक सेलर कोई भी होगा, वहां पर आपको बता देगा कि दुक्की टाइप की चलती हैं, वो आप ले लो, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होते हैं, तो आसानी होगी आपको उनको समझने में। जैसे मैं समझाऊंगी मैटर को आप पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी समझने में। उसके बाद जब आपको वो थोड़ा आ जाता है, उसके बाद आप बेरेक्ट जरूर पढ़ो। अगर बेरेक्ट नहीं पढ़ना आता है तो बेरेक्ट रीडिंग हम करवा देंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सर से पूछ सकते हो। नेक्स्ट, यदि ये भी नहीं आपके पास मटेरियल, तो सुधांशु सर से आप रिक्वेस्ट करो, वो एक ग्रुप बना लेंगे जिसमें जो भी वीडियो करवाई जाएंगे उनसे रिलेटेड आपको मैटर प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि आप पढ़ सको। पर हमारे पास मैटर हिंदी मीडियम कम मिलेगा, हमारे पास इंग्लिश मीडियम होता है, क्योंकि हमारे बैच सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही चलते हैं, हिंदी मीडियम के बैच मेरे पास नहीं होते हैं। तो फिर भी अरेंज किया जाएगा, जो भी है आप सर से बात कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बार, आप जब आओगे तो क्या करके आओगे, जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, लेक्चर होगा, तो उसमें क्या करोगे आप, जो बुक आपको बताई है वो बुक। ऐसे नहीं मिलती है तो ऑनलाइन आप सर्च करो, और आपको नहीं पता चलता है तो आप सुधांशु सर से बोलो, मैं सर्च करके पिक करके उनको भेज दूंगी, आपको सेंड कर देंगे, या फिर व्हाट्सएप का वो कर लेंगे तो वहां पर मटेरियल आपको दे देंगे। लेकिन आप लेक्चर सुनोगे, उसके साथ आपको पढ़ना जरूरी होगा। अब हम जो मोटे तौर पर जो मैं सीपीसी में करवाऊंगी आपको, आपका सिलेबस देख के हमें किस किस चीज की जरूरत है, तो आज 2 लाइन में थोड़ा ब्रीफ कर देती हूं कि सिविल प्रोसीजर कोड पहले होता क्या है, कैसे कैसे आया ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कौन से अमेंडमेंट हुए, कौन से चेंज आए, फिर इसमें हम जो भी पार्टीज होती हैं वो पार्टीज कौन होती हैं, कब वो सूट ला सकती हैं, वो सूट कैसे फ्रेम करेंगी, कैसे लिखा जाएगा उनको, और वो लिख कर कहाँ उसको लेकर जाएंगे और कौन लेकर जाएगा, फिर लेकर जाने के बाद कोर्ट में दूसरी पार्टी को कैसे बुलाया जाएगा,